तीसरा मार्ग समय के नाल, चौथा जाना की कमी के नाल, पंजवा फला की कमी के नाल, पांच इम्तहान ने जेड़े रब करीम ने वादा फरमा लिया कि मैं जरूर लवां। किसी को बहुता रिजक दे के देखता है इन हिस्सा हासिल, किसी को रिजक खो के देखता है इन हिस्सा हासिल, किसी को मार दे के देखता है इम्तहान, इसे को मार लैसता इम्तहान, किसे को औलाद दे के इम्तहान लेता है तो किसे को औलाद खो के इम्तहान, किसे को फल के मेरे दे के इम्तहान लेता है तो किसे को फल के मेरे रब करीम का इम्तहान है जरा हर बंदे का होता है। लेकिन कामयाब कामरान को लोग ने जड़े राजी बरसा रहे जो दे तम उसने जो ना दे जो उसने नबी के कंधे के सवार कराया तम ही मुस्कुरा रहे जो उसने मेरे भी लोग पे चढ़ाया तो तम ही मुस्कुरा रहे जो उसने नबी की गोद में बिठाया है मेरा हुसैन तम ही मुस्कुरा रहे जे तप जो बला वो किबे से बहना पड़ा तो तम ही हुसैन जे मदीना पाक के अंदर से मक्के शरीफ के अंदर आबे जमजम पीने वास्ते मिले हुसैन ने पानी पी के रब का शुक्र अदा किया जे करबला के तप के हुए कुत्ते के कोल खुराक की नहर के कोल तीन दिन प्रयासा बड़ा पड़ा जे रब करीम ने इमाम आली मकाम अली असगर दिता अली अकबर दिता जैन अलाउद्दीन दिते मुस्कुरा रहे जे रब करीम ने अपनी अमानत वापस मंगिया ने तो मुस्कुरा रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह बशीर सौबिरीन जड़े सबर करने वाले ने ऐ मेरे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने आप उन्होंने खुशखबरी सुना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लख लख शुक्र है कि उसने सानू सावरा की मुहब्बत सानू उन्हां पाक लोगों की मुहब्बत अता फरमाई जिहड़े रब की रज़ा दे रहे सन और एक बड़ा मुश्किल दा कम है राजी रज़ा ते बड़ा ही महान राजी रज़ा ते चुकी आए पान होया पुरवा
जामिया सरजी आ रहा है ना बच्चा शिव गुरु रोड मोहब्बत लाहौरपुर का भी है वो मौलवी सिद्दीक ने भी अपनी मोहर लाई है। एक होर बड़ी बात पक्की इन्होंने जिथे भी मस्जिद हो गए छप्पर ला के जिथे इन्होंने मस्जिद होगी छप्पर ला के जरूर हो जे तुम जना इधर के पास निकलो तो लागे छप्पर जे इधर जाओ तो उधर भी भुख घुमा के गजर का पानी आ गया शहर उठू के बड़ी पानी का इंतजाम किया उत्थे रब ने थले खला लिया दुकाना पा देखिए अमृतपुर बाजार बड़ी बोलती है सची मसीते चढ़ जाए बोलती तो मसीतों डर देना बदमस्त अभी पर हाँ एक तो ने जेड़े अहले बैत को मनते ने सहाबा पाक को गाला देते हैं माँ बाप और एक वो ने जेड़े सहाबियां मनते ने तो नबे की आग के नाल दुश्मनी रखते हैं तो यजीद उल रहम अल्लाह रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लख लख शुक्र है कि रब ने सानू किसी का भी बेअदब नहीं बनाया साडा इमाम सिद्दीक शान वाले ने फारूक शान वाले ने इमाम शान वाले ने हैदर तलाक शान वाले ने सिद्दीक सदाकत का ताजदार फारूक अदालत का ताजदार और हजरत उस्मान गनी सखावत के ताजदार ने हजरत प्यारे अली शुजा के ताजदार ने ते मेरे हुसैन शहादत के ताजदार मेरे ऊंचे हुए हाथों की
लाज रख लाए सैयदना ने साहब के सुभाया सुबह का बेला होया दरवाजा किसी और वाले ने खटखटाया हजरत सैयदा तू ने साहब दरवाजे के करीब आया उस अल्लाह के बंदे ने दो जोड़े कपड़े आगे पेश कर दिए सैयदा तू ने साहब कपड़े लै ले पूछा और वाले ए अल्लाह के बंदे तू कौन है हसन दे बंदे आ गया दोवां शहजादियां ने सोने सोने कपड़े पा ले इमाम उल अंबिया कोई दी नवाज वास्ते जान दे दोवां शहजादियां दे दल च नवे कपड़े वेखे फरमाया नी तेरी दी फातिमा ए पीए ए कपड़ियां दे जोड़े कौन है पिया है केड़ी हकीकत बंदे जाने इस दर्दी ने कीते में सैयदा तू ने सारे कीती अब्बा जान ए दो जोड़े जड़े आए ने ना हाथी तो खरीदे ने ना किसी दर्जी को सिलाए ने ना दाती रब दी बात दर्जर दर्जुआ मम्मी ची रब ने सवेरे जोड़े भेज दिते मैं अगर तुम पूछिया ए और वाले तू कौन है कितों आया है उन्हें इतना ही जवाब दिता कि मैं हमने इंदा दर्दिया इमाम अल्लाह की अखर चाचू आए फरमाया कि मेरे बेटी फातिमा वो और वाले दर्दी को पहचानिया नहीं ओ जरा हसने इंदा दर्दी बात आया कि वही मदीने का रहने वाला हसन बल्कि अरशां का जिब्राइल अरशां का जिब्राइल दर्दी पर किया है इसे वास्ते सी कहने के जिन्हें पाकिस्तान نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے ایک ہرنی کا بچہ پیش کیا باہر جنگل جو پکڑ کے لے آیا حضور نے بطور نذرانہ پیش کیا سرکار نے قبول فرمایا سرکار نے شہزادے بڑے نواسی حضرت حسن خیر کے دروازے کے اندر آیا اعلان کے کوئی ہرنی کا بچہ اچھا ہرنا ہے کتوں لے کے آیا آپ نے فرمایا بھائی جان ये मैंने नाना जी ने दिता उन्हें कहा फिर मैनू दे दो अगर नहीं तुम जाके आप नाना जी को इमाम हुसैन सीते आ गए या रसूल अल्लाह ऐ प्यारे आका हिरनी का बच्चा एक मैनू भी अता फरमा दो बच्चा तो कोई आया सी कि दे छड़िया सी इसराफ क्या होता है नबी पाक ने फरमाया ए मेरे लाल इस तरह करो दोवें जी जा के कोई हिरनी दे बच्चे दे नाल पी लवो अर्ज कीती नाना जी जिस तरह मेरे वीर हसन नूं बच्चा खता फरमाया गए नाना जी एक बच्चा मैनूं भी अता फरमा दिओ कमरी वाले आका दा सलाम अपने शहजादे नूं पुछणा पर दिंदे ने इमाम हुसैन जी करदे होए अपना चुकिया होया है हुजूर की पार्क कर दी कभी मारिया सोने का पहला जरा बच्चा
ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਜਿਬਰਾਇਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਮਿਕਾਇਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਿਆ ਸਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਮੁਸਲਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕੂਫੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ
उन्होंने दो शहजादे 8-9 साल जिन्हों की वालदा ग्रामी का विसार हो चुकिया थी। मां के मरण तो बाद ये दोवें बच्चे अपने बाप के नाल मानूस सन, बाप के नाल मुहब्बत करते सन। जिस वेले वालदे ग्रामी टुरन लगे ये दोवें बच्चे भी नाल टुरे। इमाम मुस्लिम ने मक्का अपने सफर को शुरू किया। चंद दिनों के अंदर आप कूफे के सरजमीन के ऊपर पहुंच गए। कूफे वालों ने जाके दसिया, कूफे वालों मैं इमाम मुस्लिम हां, मैंने इमाम आजम मकाम इमाम हुसैन ने भेजा है। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हारे हालात दुरुस्त हो तो फिर वे तशरीफ लाओगे। कूफे वालों ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, अपने आदमी जब जाकर इमाम मुस्लिम को ठहराया, बड़ा अदब एहतराम किया। मुरीद होने शुरू हो इमाम मुस्लिम के हाथों से बैत कर लिया। पहले दिन बैत हुए, दूजे दिन बैत हुए, चंद दिनों के अंदर तारीख के अंदर आता है कि 40,000 सूफी इमाम मुस्लिम के हाथों से बैत हो गया। कोई आपकी दावत करता है, कोई आपको खाता है जाता है, कोई आपके हाथों का भरोसा लेंदा है, कोई आपके कपड़ों का भरोसा लेंदा है, कोई आपके कदमों में चुनता है, कोई आपके शहजादियों जुल्फों में चुनता है, कोई अपने घर कर लिया है, कोई अपने घर दावत कर लिया है। इमाम मुस्लिम ने जो कूफे वालों की मुहब्बत देखी, अपने इमाम हुसैन ने पत्र लिखा, या इमाम कूफे वाले बड़े मुहिब हुए, इंतजार कर देने लिहाजा तशरीफ लाओ। एक खत इमाम आजम मकाम इमाम मुस्लिम का पहुंचिया और आपने उतो सफर शुरू करवाया। इधरों जनाब सुबह की नमाज का गुलाम होता है, हजारों की तादाद के अंदर नमाजी, जोहर की नमाज का गुलाम होता है, हजारों की तादाद के अंदर नमाजी। कूफे के गवर्नर तो मार में बशीर यजीदिया ने जाके किया, यजीद रहमतुल्लाह अलैह के नाल जाके किया। एक कूफे के गवर्नर का भी पता नहीं, इमाम मुस्लिम कूफे के अंदर आए हुए ने, लोग उन्होंने हत्या के जायत हो रहे हैं, इमाम हुसैन का इंतजार हो रहा है। अगर इजो आलम लिया अन करीब हो वेला अकबर रहना तेरी गवर्नरी रहेगी, यजीद की बादशाह करेगी। नुमान बिन बशीर ने किया, मियां मैं इमाम मुस्लिम के नाल मुखालफत नहीं पा सकता, मैं इमाम हुसैन के नाल अदावत नहीं रख सकता, मैं गवर्नरी से चढ़ सकना वा, लेकिन नबी की आज की अकीदत से मुहब्बत नहीं छड़ सकता। इन्हां यजीदियां ने यजीद नूं इत्तला कर कि कूफे दा गवर्नर इमाम हुसैन ने इसनूं माफ़ कर। चुनाच कौशल ने ज्यादा बुलाया, लालच दे के किया कि बड़े पुर असरार तरीके ना जाने, जे तू सीधा कूफे के अंदर दाखिल हो कोई पता नहीं कि तेरा जान है कुछ सिर ना। और मैं सुनिया है इमाम हुसैन का लोग इंतजार कर दे रहे कि फैजाद ने क्या ठीक है, मैं फिर उस रस्ते तो नहीं जावाना जो इमाम हुसैन ने आना है। मक्की सवारी नहीं हुई है, उस रस्ते तो ही दुश्मन आया, लोगों ने ख्याल किया इमाम हुसैन आ गए, लोगों ने खुशी के नाल नारे मारे, ये मक्कार चुप करके तुरी आया। अंदर गया जाके वक्त दे गवर्नर नुमान बिन बशीर ने यजीद का हुक्मनामा दिखाया कि अज तो बाद तू मादूर है, तेरी गवर्नर खत्म है, कूफे का गवर्नर मैं। गवर्नर जी का चार सवाल के सवेरे उठ के कूफे दियां गलियां ते बाजारां दे अंदर ऐलान करवाया कि कूफे का नवा गवर्नर खिताब करेगा, लिहाजा सब लोग जामे मस्जिद के अंदर जमा हो। थोड़ी ही देर लगी, सारी मस्जिद कूफे के लोगों के नाल भर गई। इब्ने ज़ियाद बदलिहाज बदकिरदार
कूफे की जामिया मस्जिद के अंदर मेंबर उत्ते खड़ा हो गया, हाथ में तलवार पकड़ी है। कह लगा कूफे वालियो, मैं सुनिया है तुसी इमामे मुस्लिम दे हक्का उत्ते बैठ दी है, इमामे हुसैन दा इंतजार पे कर दियो। याद रखो मेरा फैसला सुन लवो, जिस बंदे ने इमामे मुस्लिम दी बैठ दी या इमामे हुसैन दा इंतजार किया ओदे बच्चा नु जतीम कर दिता जाएगा, ओदी बीवी नु बेवा कर दिता जाएगा, ओदे मां नु लुटिया जाएगा, ओदे मकान नु जला दिता जाएगा। ए तकरीर कीती ओ जड़े लोग मस्जिद दे अंदर कूफे दे लोग इकट्ठे हो के आए सन, सारिआं दे दिल बदल गए। हजरत माई जी दे सब दे अंदर इमाम मुस्लिम ठहर गए सन। 90 साल बुढ़ा अक्खां दे विच आंसू जारी हो गए, पर ओ ते पिया रख लवी मेरे घर विचों पकड़ लिया गया, मेरा घर दे खून दे नाल गंदगी हो गया, कल कयामत वाले दिन केड़ा मुंह ला के जावांगा, केड़े मुंह दे नाल इमामुल अंबिया दी बारगाह विच पेश होवांगा। बाबा रोंदा होया घर आया, इमाम मुस्लिम हालात दा दसिया। उधर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि जल्दी नाल इमाम मुस्लिम दे तार करके लियांदा जाए। सिपाहियों ने लभना शुरू कर दिता, सुराग लग गया कि इमाम मुस्लिम हजरत हानी दे घर ठहरे हुए ने। इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी अपने दरबार के अंदर तलब किया, कह लगा हानी मैं सुनिया कि तू इमाम मुस्लिम दे घर ठहराया होया है, अपने घर विच बना दिती हुई है। हजरत हानी ने कहा हां बिल्कुल दुरुस्त है। इब्ने ज़ियाद कह लगा फिर इतना करो, हजरत इमाम मुस्लिम साडी सुपुर्द कर दियो। हां कह लगा मैं अपने मेहमान नु तेरे जेड़े शर्म बंदे दे हवाले करने वास्ते जा रिया। उस जालम ने जिस वेले गल सुनी और बेदर्दी दे नाल जल्ला नाल हुक्म दिता, ए जेड़ा इमाम मुस्लिम दा मुहिब्ब है जल्दी करो, इहदा सर दे तन दे नाल गुज़ार कर दियो। चुनाचे हजरत हानी पहले कोड़े मारे गए और उस तो बाद आपका सरे वर्गे का सिंह तन दे गुजार कर इमाम मुस्लिम को पता चलिया कि मेरा मेजबान शहीद हो चुकिया है। आप अपने घर चो बाहर निकले, कूफे के लोगों को इकट्ठे करके फरमाया वो कूफे वालों कि अपने घर में अपने मेहमानों को बुला के बिना इतने सुख खरीदा जो तुम किया है, तू खत लिख लिख के मैंने मंगवाया और जिसने मैं आ गया वहां मैं अपने वीर इमाम हुसैन ने भी इत्तेहाद का खत लिख दिया है। कूफे वाले फिर आपके नाल जमा हो गए। नमाज का वक्त हुआ है, हजारों की तादाद दी रात के नाल नमाजी नमाज पढ़ गए। उधरों इब्ने ज़ियाद ने फिर गरौना के गुनगुना शुरू किया, सुबह की नमाज पढ़ी गई, जोहर की नमाज पढ़ी गई, असर की नमाज पढ़ी गई। जदों मगरब की नमाज का वेला आया, इमाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ के जिस वेले सलाम फेरिया ते सलाम तो पहले नमाज जिस वेले शुरू की थी हजारों का इजमा सी, जिस वेले सलाम फेरिया सज्जे खब्बे नजर मारी ते देख देखी ने सारे दे सारे कूफी दौड़ चुके ने और अपने दो शहजादे नजर पे आंदे ने। इमाम मुस्लिम ने दोवां शहजादियां नूं सीने दे नाल लाया, वापिस आउंदे ने ताकि कोई घर मिल जाए जिस घर के अंदर रात गुजार दी जाए। एक बुढ़ा जिहा बाबा काजी सुनेहा दा नाम है, आप दे घर तशरीफ लाए, फरमाया काजी ये दो निके निके बच्चे ने मेरे नाल जो होण वाला मैनूं पता है, मेरी जिंदगी दी शायद आखिरी रात होवे, ए निके निके बच्चे ने अनखरीब यतीम होण वाले ने, इन्हां दी मां दा साया इन्हां कोल पहले
امام مسلم نے اپنے سفر کو شروع فرمایا چلدیاں چلدیاں کی ویکھدے نے ہر کوفی نے اپنا دروازہ بند کیتا ہوا ہے کدھر امام مسلم ساڈے گھر وچ نہ آ جان ٹردیاں ٹردیاں ادھی رات ایک بیبی دے دروازے دے کولوں دی گزرے کی ویکھدے نے کہ بیبی باہر بیٹھی کسی کا انتظار پہ کر دیے آپ نے سمائی دعا نہیں کیا بیبی اج کر ایک پانی کا پیالہ پلا دے مائی نے کیا جناب ادھی رات بس دے شہر چوں پانی منگن والا کون ہے آپ نے فرمایا مائی میں پی دسا میں کون میرا نام ہے مسلم اے مائی میں وہ بچے دی 40,000 بندے نے بیعت کی پر ہن ہر کوفی نے دروازہ بند کیتا ہے کدھر میں اپنے گھر نہ ٹر جاوا مائی نے پانی دا پیالہ پیش کیتا بوا کھول کے کہہ لگی حضور آ میرے گھر دے اندر آرام کر لو امام مسلم اس بیوی دے گھر میں ٹھہر گئے اللہ اللہ دا درود شروع کیتا درود پاک دا درود شروع کیتا کدے بچیاں دی جدائی یاد آندی ہے کدے اپنے ویر دی روان بھی یاد آندی ہے کدے اپنا آن ویلا آن والا وقت یاد آندا ہے ساری رات گزر گئی پچھلے پار رات دے اس بیوی دا بچہ آیا جڑا شاہی دربار دا ملازم سی کی ویکھیا امام مسلم گھر وچ موجود نے او واپس نے زیاد دے دربار دے اندر گیا جا کے کہن لگا ابن زیاد امام مسلم تو لب رکھنا ہے تیرے سپاہی لب رکھنے نے آ میں دسا امام مسلم تے ساڈے گھر وچ ٹھہرے ہوئے ابن زیاد نے 500 بندے بھیجے 500 سپاہی بھیجے آن کے انہوں نے مائی کو آدھے مکان گھیرا پا لیا امام مسلم پتہ چلیا کہ میرے مکان کا گھیرا پہ چکیا ہے میرے میزبان نے مکان میں گھیرا پہ چکیا ہے امام مسلم باہر نکلے کی بے دلے کو 500 بندے نے آپ کو گھیرے دے اندر لے لیا آپ نے فرمایا او ذاتو کہ دے بھوندے پیاسے دے کہ دا سر تنہوں نے جدا پکرنا چاندے دے کنوں تلواری پہ دکھاندے دے کنوں نیزے دلانی نہ پہ دکھاندے دے کہ دے تینہ دا بھی پانا چاندے دے ظالم نے کیا اے امام مسلم جار پہ یزید دی بیعت کرنا یا ساڑھے آئے تو بلا کے تیار ہو جا امام پاک نے فرمایا میں تو اڈے نہ کنوں تیار نہیں آؤ میرے نظر میں تو لڑکے دیکھ لو ظالمہ نے مل کے آپ دل کے حملہ کر دیتا 500 بندہ نڈ والا ہے آپ کلے نے تلوار پکڑی ہے قربان جاواں آپ کی شان تو آپ کی استقامت تو آپ کی شجاعت تو آپ کی ہمت تو کہ 500 بندہ ہے علی دا شیر کلا پیا مقابلہ کر گئے اللہ اکبر اللہ پھر حملہ کیتا پتھر مارا ایک نے بچ متھے پھر تیرا دمی برسوں لگ پے ون کعبے دے سجدے کرن والے ون کعبے دے سجدے کرن والے ہفتی اپنے کعبے توڑ لگ پے امام مسلم زخمی ہو کے جدو زمین اتنے ڈگ گئے ایک ظالمہ دا مدیا سید نوں بالوں کو پکڑ لیا اور سپاہیاں نوں نال لیا ابن زیاد کے دربار دے جا کے پیش کر دیتا ابن زیاد نے زخمی شیر نوں ویکھیا کہہ لگا مسلم کیا جزیر دی بیعت کرو او ظالمہ اگر یزید دی بیعت نہیں ہوندی مدینے دیا برکا بہارا نہ چھڑدا میں مکے شریف نہ چھڑدا میں کوفے دے ریگستانہ کا سفر طے نہ کردا اے ابن زیاد میرا فیصلہ سن لے میں سب کچھ قربان کر سکنا لیکن ایمان دا سودا نہیں کر سکدا ابن زیاد نے کیا اگر پھر نہیں مننا جلادا حکم دے دیتا امام مسلم مکان دی چھت تے لٹا کے بدردی دے نال شہید کر دیتا جائے
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦਾਰਾ ਮਾਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ, ਗੁਰਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਮਾਮ ਮਸੂਦ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਵਸੀਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਕੂਫੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਯਤੀਮ ਨਮਾਣਾ ਕੋਈ, ਜਦ ਯਤੀਮ ਨਮਾਣਾ ਕੋਈ, ਅਤਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮਤ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਲਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ ਪਾਇਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਅਪਣਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੂਫੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਤੋ ਫਤਲਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਰ ਤੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਦੋਵਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਰੋਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਐ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਫਾਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਐ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਕੌਣ ਅਪਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਰੋਵੋਗੇ ਪਕੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੂਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਫਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ
दूर जाकर तो गायब हो गए। सारी रात लंघ गई, काफला लंघ गया, निक्का डिगदा है, वड्डा सामदा है, वड्डा डिगदा है, निक्का सामदा है, सारी रात लंघ गई। दिल च ख्याल आए कि मदीना नेड़े पिया हुंदा है, मदीने पहुंच जावांगे, जाके नाले अपने गम की कहानी सुना देवांगे। लेकिन जो सुबह का वेला होया की वेखदे ने दे घरों दीवार पर लगराउंदे ने, एक दूसरे को जफा पा लिया, करी पानी का हो गए। सुबह के वेले एक बीवी पानी भरने वास्ते आती है, दो शहजादे ने देखिया, अखा नदियां लाल ने, छाले पै चुके ने, रो रो के एक दूसरे को जफा पा के बैठे हुए ने। माई ने पूछा बच्चो कौन, बच्चिया की चीख निकली, कह लगे की दसीए कौन है माई, अच्छी तो बच्चे जिस वे माई ने अपने सीने के नाल ला के दोवां शहजादे नूं कहण लगी, ए नबी दे बाग दी उपर बोलो चल सुनाने साल दे बोलो, मैं जिस घर की कारनामा जिस घर की नौकरानी हाँ वो बीबी अहले पैसे नाल मुहब्बत करती है, आप दोवां नूं घर लै जांदी आ। दोवां शहजादे नूं बीबी घर लै गई, हारिस दे घर ले जाके जाके हारिस की बीबी नूं कहण लगी, ए हारिस की बीबी ऐ मेरी साहिबा, दो फुल लै के आने आ जन्नत दे बाग तुम बुला लै के आने आ, चमत्कार सारा दर फुल लै के आने आ, इन्हां दी खिदमत करके अल्लाह दे कोलों जन्नत लै ला। माई ने प्यार किया, दोवां शहजादियां नूं बाद वेले एक कमरे दे विच सुला दिता, उधरों दा हारिस सामने आया जिहड़ा सवेर दा इन्हां बच्चिआं नूं तलाश करदा सी, रोटी खा के जालम सौ गया। अद्धी रात दा वेला होया, बच्चे वीर ने बिच्चे वीर नूं जगाया, रो के वीर नूं जफा पाया, और नाल क्या लै रो वीर सामने हस्ते तेरू कमी शहजादी नजर आई।
बच्ची वाल वेखिया इमाम की अखा में चाकू जारी हो गया है। इमाम मुस्लिम की शिक्षा जारी है चाचे चाचा मेरे चाचा मेरे दादी जोड़ी नहीं जाएगी। इमाम पाक ने फरमाया नहीं कि ये अज तो बहुत तेरा चाचा बनाया तेरे बाप बच्ची बेहोश हुई जब होश आया उस दी चाचा मेरे दादी को मेरे दादी जोड़ी चाचा वीरा की जोड़ी मिल जाएगी ना पिछड़ा होया वीरा ने मिल जाएगी खिलौने लै हो वीरा को पेश कर देवगी। इमाम ने फरमाया की तेरा बाप दा बाप मेरे अकबर मोहम्मद की याद शाहजहां अमर वीर पीछे न हो जिस बैन का पीर न कोई उस दुनिया को हमारे दरमियान मुहद्दस आजम सॉन्ग और मूवी कैसेट सीडीज के हवाला से अर्शद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद का ये वो खूबसूरत अदारा है कि जिसे आलम इस्लाम के मुमताज खुतबा उलमा सनाकानी शीलहान कुर्रा की वीडियो और ऑडियो सीरीज जो है वो आप हजरात को दस्तियाब हो सकती हैं। आज की इस महफिल पाक में ये साउंड समेत एचडी कैमरों के साथ पूरी महफिल पाक की कार्रवाई को महफूज कर रहे हैं। आज की इस महफिल पाक की मुकम्मल ऑडियो वीडियो सीरीज आप हजरात डीवीडीज इनसे हासिल कर सकते हैं। पीर कारी मोहम्मद जहांगीर रजवी साहब सगे मुहद्दस आजम साउंड और मूवी कैसेट मल्टीमीडिया और डीवीडीज के हसूल के लिए अर्शद मार्केट जंग बाजार मुहद्दस आजम साउंड और मूवी मेकर्स के हवाले से आप हजरात हमेशा याद रखें अर्शद मार्केट जंग बाजार फैसलाबाद।